दोस्तों फेसबुक के अंदर आपने भी अपना जो है पेआउट अकाउंट में कुछ गड़बड़ी कर रखी है या फिर आपने एक नहीं दो दो पेआउट अकाउंट अपने बना लिए, यानी कि एक ही अकाउंट है, एक ही नाम है और दो तरह के आप पेआउट अकाउंट बना रखे हैं, तो आप एक पेआउट अकाउंट को किस तरीके से रिमूव करोगे आज की वीडियो में प्रॉपर यही सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम फेसबुक ऐप के अंदर देखेंगे तो फेसबुक ऐप के अंदर हमें यहाँ पर कोई भी पेआउट अकाउंट नहीं दिखता, यानी कि हमें कोई भी पेआउट अकाउंट रिमूव करने के लिए कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं चेक करूंगा, तो एक बार मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना पेआउट अकाउंट चेक करूंगा। तो अगर मैं अपना पेआउट अकाउंट यहाँ पर चेक करूंगा तो यहाँ पर एक मिनट पेआउट है मेरा, यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास दो पेआउट अकाउंट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर दो पेआउट अकाउंट मेरे बन चुके हैं, यानी कि एक मैंने खुद से वेरीफाई किया था और एक मेरा किसी गलती की वजह से मुझसे बन चुका है, यानी कि मैंने किसी तरह फिल अप कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपने पेआउट अकाउंट अनकंप्लीट किया है तो बार बार फेसबुक आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यही बताएगा कि भैया आप अपना पेआउट अकाउंट कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तौसीफ रजा के नाम से एक अकाउंट है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो पेआउट अकाउंट आपको शो हो रहे होंगे, एक तौसीफ रजा एक नीचे वाला रजा वाला। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट वाला है इसको मैंने जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया है, क्योंकि भैया ये तो मैंने एक मतलब गलती से बनाया, जिससे मैं पैसा विड्रॉल करूंगा, फेसबुक से कमाया हुआ पैसा विड्रॉल करूंगा लूंगा, तो वो यहाँ पर दूसरा वाला अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी फेसबुक टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट के लिए नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे दो पेआउट अकाउंट है, एक ही नाम से, एक ही बैंक अकाउंट है और एक ही सब कुछ एक जैसा है, बट यहाँ पर बस दो पेआउट अकाउंट बन गए, बस एक नाम में थोड़ा डिफरेंट हो गया, एक पर डबल रजा है एक पर सिंगल रजा है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इस पेआउट अकाउंट को रिमूव करना चाहता हूँ, इस वाले को, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन फेसबुक नहीं देता है कि आप इस पेआउट अकाउंट को रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से बंद करेंगे और हम गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे। अब गूगल क्रोम के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फेसबुक है, फेसबुक पर पहले ओपन करेंगे, टैप करेंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर जब हम फेसबुक को लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस तरीके से आपका प्रोफाइल आपको नजर आने लगेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए थ्री डॉट पर ऊपर साइड में अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है अपने नाम पर एक बार फिर से टैप कर देगा, यानी कि इससे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो गया, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाना, जिसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक के क्रोम के अंदर यानी कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आगे तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर नीचे आप देखेंगे इस वाली साइड में यानी कि इस वाली लाइन में, तो आपको इस वाली लाइन में नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेआउट का, आपको दिख रहा है, सिंपल आपको इस पेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक मिनट कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर है पेआउट, तो सिंपल हम पेआउट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पेआउट से रिलेटिव जो भी समस्या है, जो भी सॉल्यूशन है, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो फीचर फेसबुक ऐप के अंदर नहीं मिलते वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो मेरा वही पेआउट अकाउंट सेलेक्ट है जिसका मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया। अब इस वाले पेआउट अकाउंट को मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पेआउट हेल्प करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर इस पेआउट हॉल वाले ऑप्शन पे अंदर क्लिक करेंगे। अब रीजन क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से तो ऑप्शन नहीं दिया गया है कि फेसबुक को डायरेक्टली आप इस वाले पुश बटन को यानी कि किसी भी बटन को दबा के डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि हमको फेसबुक टीम को अवेयर करना होगा कि भैया हमारा जो है दो पेआउट अकाउंट बन चुके हैं और हम एक पेआउट अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं फेसबुक की यानी कि फेसबुक के ऐप से। तो आप जो है यहाँ पर आपको फीडबैक सेंड करना पड़ेगा, अपना रीजन बताना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपका एक पेआउट अकाउंट फेसबुक की तरफ से रिमूव हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बटन दबाएंगे और भैया यहाँ पर गायब, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको फेसबुक को एक बार बताना पड़ेगा कि आपका फेसबुक पेआउट अकाउंट रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या पेआउट हेल्प जानने जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें दिख रही होंगी पेआउट इशू करके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर गेट मोर हेल्प आपको नीचे एक ऑप्शन है, तो जो गेट मोर वाला ऑप्शन है एक्जैक्टली आप इस वाले गेट मोर हेल्प वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर आप हेल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई रिसीव माय पेआउट अकाउंट, तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ पर आपको एक टॉपिक लिखना है, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर हमें टैप करना है। यहाँ पर जब हम टैप करेंगे तो आपको इस तरीके से पेआउट सपोर्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में लिख रहा है कि इसके बारे में आप कन्फर्म स्टेटस सेंड किया और क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या क्या इसकी डिटेल है, किस तरीके से आप पेआउट अकाउंट को अपना जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर लर्न मोर में बहुत सारी चीज़ें, बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर कैंटी फिंड
व्हाट यू आर लुकिंग फ्रॉम द कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाउ कैन वी हेल्प, यानी कि हम किस तरीके की हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक मैसेज फेसबुक की टीम को सेंड करना है। तो मैसेज क्या है, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको टैप करूंगा, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखा क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूँ। यहाँ पर लिखा है, डियर फेसबुक टीम, सर आई वॉन्ट टू डिलीट माई पे आउट अकाउंट। पे आउट अकाउंट का मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया, बट आपको भी यहाँ पर पे आउट अकाउंट अगर रिमूव करना है, जौन सा पे आउट अकाउंट आपको रिमूव करना है या डिलीट करवाना है, उसका आपको जो है एक यूनिक नंबर आपको दिया हो जाता है, तो यूनिक नंबर आपको यहाँ पर जरूर डाल देना है। सिंपल आपको इसे डालने के बाद में यहाँ पर सिंपल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक की टीम इसको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद चेक करेगी कि आपने यहाँ पर दो अकाउंट बना रखे, तो आपका एक पे आउट अकाउंट फेसबुक टीम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिमूव कर देगी कुछ टाइम के बाद। तो सिंपल सा स्टेप, सिंपल सा प्रोसेस है, इस कुछ तरीके से आप अपना पे आउट अकाउंट रिमूव करा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फेसबुक कहीं भी डिलीट का ऑप्शन देता है डायरेक्टली डिलीट कर दे, ऐसा नहीं। यहां पर फेसबुक टीम को हमें अवेयर करना होगा, बताना होगा कि हमें ये वाला फेसबुक पे आउट अकाउंट रिमूव करना। आई होप यहां पर आपको यह चीज समझ आई होगी कि किस तरीके से हम अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर जो मल्टीपल पे आउट अकाउंट हमने बना लिए अपनी गलती की वजह से, उन पे आउट अकाउंट को हम किस तरीके से फेसबुक की मदद से किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। वीडियो समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक रिलेटेड सारे अपडेट हम आपको देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलता हूँ एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।